बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से आ रही है। वहां सुरक्षा बल ने आतंकवादियों के दो मददगार को गिरफ्तार किया है। जवानों ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करने का दावा भी किया है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल आतंकवादियों के यहाँ पर मददगारों को गिरफ्तार किया गया है और ये जानकारी मिली है कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। रिपत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिपत, ये गिरफ्तारी कहां से हुई है और क्या जानकारी इनके बारे में मिल रही है? जी, ये तापर एरिया है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चक तापर इस गाँव को कहते हैं। वहां पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पे मिलिटेंटों की मूवमेंट है, और जब नाका लगाया गया उसके बाद दो लोगों को पकड़ा गया और उनकी क्वेश्चनिंग की गई। उनके कब्जे से एक पिस्टल, कुछ मैगजीन और बाकी आर्म्स एंड एम्युनिशन रिकवर किया गया है, जिस तरीके से पुलिस ने जानकारी दी है। तो पुलिस का कहना है कि ये दोनों एलईटी के लिए काम करते थे और ये दोनों अंडरग्राउंड वर्कर्स थे, यानी मिलिटेंट एसोसिएट थे। फिलहाल मामले की बाकी तहकीकात की जा रही है, अब फर्दर क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्या कुछ और लीड्स मिलेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये अब पता चल पाएगा। लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि आर्मी और पुलिस ने एक ज्वाइंट नाका लगाया था स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, और इन दोनों को पकड़ा गया है, आर्म्स एम्युनिशन जो है वो रिकवर किया गया है। ठीक है रिपोर्ट, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। उधर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुणा ने जो लाल डायरी विधानसभा में दिखाई, उस पर कांग्रेस सरकार ने सवाल खड़े कर और उसे सियासी विरोधियों का षड्यंत्र करार दे दिया। इतना ही नहीं, राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री शांति दारीवाल ने गुणा को चैलेंज कर दिया कि लाल डायरी में जो कुछ भी है वो उसका पर्दाफाश कर दें। कौन सी लाल डायरी है, कौन सी पीली डायरी है, सब फैब्रिकेटेड बात है, सारी फैब्रिकेटेड बात है। उधर राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त है कांग्रेस के काले कारनामे। राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी के पन्ने भले ही अभी खुलने बाकी हों, लेकिन सच तो यही है कि बंद लाल डायरी ने ही राजस्थान में सियासी भूचाल ला दिया है। इधर बिहार के समस्तीपुर में चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक लड़की की पिटाई करते नजर आए, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। गांव वालों के मुताबिक लड़की को अपनी प्रेमी के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद गांव वाले आग बबूला हो गए और बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लड़की को परेशान करते दिखे। इस बीच कुछ महिलाएं लड़की के साथ मारपीट करने लगी, लेकिन कुछ लोगों के समझाने पर वो मान गईं। फिर भी काफी देर तक लड़की के साथ धक्का मुक्की करती रहीं। इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। उसकी वीडियो जांच की जा रही है और जांच करके जो भी कानून संबंध कार्रवाई होगा किया जाएगा। हालांकि अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उधर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर लगाम लगाने की गुहार लेकर अफगानिस्तान पहुंचे पाकिस्तान की उम्मीदों को करारा झटका लग गया। तालिबान ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो टीटीपी पर बैन लगाने की उसकी मांग को नहीं मानने वाले। मतलब अगर पाकिस्तान को टीटीपी से मुकाबला करना है तो उसे ये काम अकेले ही करना होगा। और टीटीपी पहले ही ये साफ कर चुका है कि उससे टक्कर लेना पाकिस्तान की बस की बात नहीं। यही वजह रही कि पाकिस्तान ने इसमें तालिबान की मदद हासिल करने के इरादे से अपने विशेष दूत आसिफ दुर्रानी को काबुल भेजा था, लेकिन तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ एक्शन न लेने का फैसला लेते हुए उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये लड़ाई पाकिस्तान और टीटीपी की है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं।